हेलो गाइस कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे तो बच्चों देखिए रेलवे ग्रुप डी रिज़ल्ट आपका आउट हो चुका है अभी कुछ जोन ऐसे हैं जो अभी तक उनका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है वो आज शाम तक आपका हो जाएगा बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिल रहा है लोन नॉर्मलाइजेंट कितना मिल रहा है देखिए अभी आपके जो है रो मार्क्स नहीं खुल पा रहे हैं आपका जो स्कोर कार्ड आएगा वो आप लगभग सत्ताईस तारीख के लगभग आएगा यानी ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन को आपका जो है रो रो स्कोर आ जाएगा उसमें आपको ये पता चलेगा कि आपका कितना स्कोर रहा था अगर मान लिया आपके मान लिया चालीस नंबर हैं और उसमें ये पता लगेगा कि आपके जो रो मार्क्स हैं इतने हैं और नॉर्मल आइसन आपको कितना मिला है लगभग सत्तर नंबर हो गए हैं या आपके तीस नंबर मिला है चाहे आपका ट्वेल्थ में तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि, कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है किसको कितना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल रहा है देखिए जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम हुआ है उसी तरीके से आपका रिजल्ट भी खुल रहा है उस तरीके से रिजल्ट खुल रहा है और उस रिजल्ट में जिस तरीके से सबसे पहले जो पेपर हुए थे हार्ड शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से मिल रहा है मैंने वो पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन मिलता है वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जाके जरूर देख लीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे मिलता है और कैसे नहीं मिलता है तो इसमें बात करते हैं कितने बच्चों को कि कितना कितना नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है देखिए फिलहाल मैं आपको बताऊँगा जो आपका है जो बिल्कुल मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको जो मैक्सिमम कितना मिल रहा है और मिनिमम कितना मिल रहा है देखिए मिनिमम तो मैं आपको बता दूं मिनिमम आपका 3.5 3.5 के लगभग मिल रहा है यानी मिनिमम आपका साढ़े तीन नंबर जो है मिल रहे हैं बच्चों को ज़्यादातर मैं जो देख रहा हूँ जो बच्चों से मेरी बात हुई है कई बच्चों के मैसेज भी आए हुए हैं मुझे कि सर हमें जो है थ्री का ही मिला है लेकिन मैक्सीम की बात करूँ मैं तो मैक्सीम आपको सिक्स मैक्सिमम इतना मिला है और एक बच्चा मुझे ऐसा भी मिला है जिसको चालीस वो बोल रहा था सर मेरे चालीस नंबर थे और मेरे सत्तर हुए हैं मेरे सत्तर हुए हैं अब वो कितने हैं मैंने उससे मांगा है कि अपनी जो है अगर जैसे ही आपकी स्कोर कार्ड आ जाए तो मुझे वो आप प्रोवाइड करना क्योंकि वो बोल रहा है कि सर मेरे चालीस थे और मेरा जो है नंबर आ चुका है मेरा रोल नंबर जो है शो कर रहा है तो लगभग आप मान के चलें चालीस से सत्तर हो रहे हैं तो सत्तर का मतलब यानी तीस का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है उसको यानी तीस नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिल रहे हैं देखिए अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आया उसमें ही पता चल पाएगा कितनी सच्चाई है इस बारे में लेकिन वो बंदा मुझे बोल रहा है कि चालीस सर मेरे चालीस क्वेश्चन ठीक थे चालीस ही नंबर थे मेरे और मेरे सत्तर अगर मेरिट उसकी मेरिट जो है लगभग पैंसठ पॉइंट अठावन पे लगी है तो उसका सिलेक्शन हो रहा है उसका सिलेक्शन हो जा रहा है तो लगभग उसे मेरे हिसाब से तो पैंतीस नंबर तो डेफिनेटली मिले ही होंगे तभी उसका सिलेक्शन हो पा होगा तो पैंतीस से ऊपर हो इसलिए मैं चालीस नंबर वो मुझे बता रहा है कि चालीस नंबर हमको मिले हैं तो ऐसा नहीं है बहुत सारे बच्चों को जो है बहुत सारे नॉर्मलैसन मार्क्स भी मिले हैं तो मैंने इससे पूछा कि आपका पेपर कब था तो उन्होंने बताया कि फर्स्ट शिफ्ट में पहला ही पेपर था मेरा और इसमें मेरे इतने नॉर्मलाइजेशन मार्क मिल रहे हैं तो बच्चों अगर आपके पास भी ऐसा कोई बंदा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर कमेंट जरूर करना कि हमारे नंबर इतने बन रहे हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है इसमें आप वहाँ भी जाके ज्वाइन हो सकते हैं हमें बता सकते हैं कितने नंबर हैं व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है आप के लिए कि जितने नंबर होंगे आप हमें प्रोवाइड कराइए ताकि मैं औरों को भी बता सकूं कि कितने नंबर आपके मिल रहे हैं कितने नंबर आपको नहीं मिले हैं तो 27 तारीख का वेट कीजिए 27 तारीख से पहले ही आपके स्कोर कार्ड आ जाएंगे आपको भी पता चल जाएगा कितने नंबर हैं लेकिन आप मैसेज करना कि कितने नंबर पर आपकी मेरिट गई है कितने नंबर पर मेरिट नहीं गई है कितने क्वेश्चन आपने ठीक करे थे और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है या आपका रोल नंबर उसमें आया है या नहीं आया ये आपको सारी चीज़ें मुझे बतानी है आप ग्रुप से ग्रुप में जाके जुड़ जाइएगा तो बच्चों ये थी जानकारी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों धन्यवाद